हेलो फ्रेंड्स, चेतनास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी, वो है मसाला पोहा। और उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं। ये हमने एक शिमला मिर्च ली है, तो इसे हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। ये थोड़े से मटर के दाने लिए हैं और ये हरा धनिया लिया है हमने। हरे धनिए को हमने अच्छे से बारीक कट कर लिया है। ये एक टमाटर लिया है, इसे भी हमने थोड़ा सा मोटा मोटा भी नार लिया है। ये एक नींबू का रस लिया है। ये थोड़े से हमने मूंगफली के दाने लिए हैं, इनको हम अभी रोस्ट कर लेंगे। और ये हमने लिए हैं हरी मिर्च और इसको हमने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। ये हमने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं पोहा। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा घी। और ये जो मूंगफली है इसमें थोड़ी सी रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने मूंगफली अच्छे से रोस्ट कर लिया है। और ये जो हमने पोहा लिया था, तो ये पोहा हमने एक कप पोहा लिया है और इसको हमने अच्छे से धोकर जब तक इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च था वो अच्छे से निकाल लिया है और इसको सोक करने रख दिया है, ताकि जो हमारे पोहा है वो बहुत ही अच्छा सा खिला खिला बनेगा। तो इसको ऐसे रख देते हैं। तब तक पहले हम बाकी की सब्ज़ियाँ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने अब ये जो हमारा घी बचा हुआ था, अब इस घी में हम डालेंगे थोड़ी सी राई और इसको थोड़ा सा चटकने देते हैं। और साथ ही हम डाल देते हैं ये कड़ी पत्ते। गैस के फ्लेम को थोड़ा लो कर लेते हैं। हरी मिर्च, शिमला मिर्च, साथ ही ये टमाटर डाल देते हैं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, बस थोड़ा सा पकाना है इन्हें। ये मटर भी डाल देते हैं हम। इन सारी सब्जियों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल लेते हैं। स्वाद अनुसार हम डाल रहे हैं नमक, चौथाई चम्मच हम यहाँ पर डाल रहे हैं रेड चिली पाउडर, और चौथाई चम्मच हम यहाँ पर डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। और साथ ही इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए आधा छोटी चम्मच हम डाल रहे हैं काला नमक। थोड़ी देर इन सारी सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। फ्रेंड्स, सारी सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें अपना पोहा ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला पोहा हमारा सोफे पर तैयार हुआ। Thank you.
और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हमने मूंगफलियाँ रोस्ट की थी। और साथ ही यहाँ जो हमने एक नींबू का रस लिया था इसको भी ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा ये डाल देते हैं हरा धनिया। चीज़ों को एक बार मिक्स कर दें। हमारा हेल्दी और टेस्टी मसाला पोहा बनकर तैयार है, तो अब इसको सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मसाला पोहा बनकर तैयार है और ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है और ये बहुत हेल्दी भी होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।